स्वागत है आप सभी का हॉट स्टॉक स्कॉलर शो में। मैं हूँ स्वाति रायना। आज का दिन बाजार के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहा। दरअसल मॉरिशस रूट के जरिए शेयर बाजार में आने वाले निवेश पर टैक्स लगने के चलते आज भारतीय बाजारों की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई और शुरुआती घंटों के बाद बाजार में शानदार रिकवरी भी देखने को मिली। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सुस्त कारोबार रहा। सेंसेक्स 176 अंक, निफ्टी 39 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए और आज के कारोबार में टेलीकॉम और रियल्टी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं ऑटो, तेल, गैस और पावर कंपनियों के शेयरों पर दबाव नजर आया। तो कुल मिलाकर तीन दिन की तेजी पर आज ब्रेक लगा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी जरूर देखने को मिली। कुछ इंडेक्सेस की बात की जाए तो टेलीकॉम, रियल्टी, ऑटो शेयर में गिरावट रही तो शुगर कंपनियों के शेयरों में भी आज खरीदारी देखने को मिली है। मॉरिशस संधि पर बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का कहना है कि सरकार ने टैक्स से जुड़ी अनिश्चितता को दूर किया है। राकेश झुंझुनवाला से बात की हमारे सहयोगी मिहिर भट्ट ने। बड़ी क्लैरिटी के साथ क्या ये कहा जाए कि मोदी सरकार ने जो अनसर्टेनिटी थी मॉरिशस टैक्स ट्रीटी को लेकर उसे वन शॉट में क्लैरिफाई कर दिया है? ये बिल्कुल सही है मिहिर। और देखिए, जो करना था हर चीज करने का एक तरीका होता है। पहले गवर्नमेंट ने जब भी जो चीज फिडल करने की कोशिश की थी तो बहुत अनसर्टेनिटी थी। अभी उन्होंने बराबर नोटिस दिया है, कोई भी चीज़ रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं की है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में तो टैक्स फ्री है ही। और पहले वो डेरिवेटिव्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में जो आप March 31, 2017 तक करोगे वो टैक्स फ्री रहेगा और उसके बाद आधा टैक्स लगेगा। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत रीजनेबल और सही चीज़ की। तो शेयर मार्केट के आज के परफॉर्मेंस पर कुछ जानकारों की राय जान लेते हैं। रिलायंस कैपिटल के मधुसूदन केला का कहना है कि बाजार एक से दो साल में नई ऊंचाई को छुएगा और निवेशकों को चुनिंदा शेयरों में निवेश करने की सलाह भी उन्होंने दी है। मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगले 12 से 24 महीने के अंदर इवन इंडेक्स में मुझे लगता है न्यू हाई आएगा। पर अगर वो आएगा तो बहुत सारे चुनिंदा शेयरों में उसमें से बहुत ज्यादा रिटर्न कमाने की गुंजाइश है वर्सेस इंडेक्स। वहीं मार्केट एक्सपर्ट अनिल सिंघवी का कहना है कि मॉनसून से बाजार की दिशा तय होगी, साथ ही मॉनसून अच्छे रहने से बाजार में तेजी आने की संभावना जताई गई है। महंगाई में कमी से रेट कटौती की गुंजाइश भी बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से दो इवेंट बहुत बड़े हैं हमारे पास में, एक मॉनसून और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगले तीन महीने की पॉलिसी बेस्ड ऑन मॉनसून, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन और सितंबर महीने में जो FCNR का पैसा जाना है। तो मैं जो बड़े इकोनॉमिक मुद्दे हैं इन तीन मुद्दों को बहुत करीबी से देखना चाहूंगा। चलिए मेरे सहयोगी साक्षी बत्रा का भी रुख कर लेते हैं। कुछ हॉट पिक्स वो लेकर आई हैं दर्शकों के लिए जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। साक्षी बताइए, ऐसे कौन से पांच स्टॉक्स हैं जो आपने चूज किए हैं जहां पर थोड़ी बहुत हलचल देखी गई है? जी शुक्रिया। आज की तरफ से मेरा पहला शेयर है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का। बैंक के क्वार्टर फोर नतीजे डिक्लेयर हुए हैं जहां एक तरफ अगर आप देखेंगे तो घाटे से मुनाफे में आया है बैंक, लेकिन दूसरी ओर जो प्रेशर पॉइंट्स रहे हैं वो ग्रॉस NPS और नेट NPS को लेकर हुए हैं, क्योंकि दोनों में ही सिक्वेंशली बढ़त देखने को मिली है। खासतौर पर अगर आप NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम पर भी ध्यान देंगे, यहां पर भी एक दबाव देखने को मिला है। 1444 करोड़ से घटकर NII इस वक्त 1354 करोड़ की रही है। दबाव जारी रहने का अनुमान है। आशीष ख्याल का मानना है बिकवाली करके चले, टारगेट आपको बताया 81 का, स्टॉप लॉस ऊपर में लगाइए 89 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है बलरामपुर चीनी का। पूरे शुगर स्पेस में अच्छा रुझान देखने को मिला। इनफैक्ट अगर अंतिम चरणों की बात करें तो जोरदार वॉल्यूम्स के साथ यहां खरीदारी होते हुए देखी, आगे भी तेजी जारी रहने का अनुमान है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आशीष ख्याल, टारगेट आपको बताया है 124 का, स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन कीजिए 107 का। अगला शेयर मेरी तरफ से प्रिज्म सीमेंट का है। यहां पर करार को लेकर खबरें हैं, इको सीमेंट के साथ यहां पर सप्लाई को लेकर करार किया है, पॉजिटिव रुझान यहां पर देखते हैं। आशीष ख्याल, खरीदारी की सलाह दी है
आगे बताया 98 का स्टॉप लॉस आप नीचे में मेंटेन कीजिए 86 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है भारती एयरटेल का। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसले के बाद टेलीकॉम स्पेस के लिए काफी राहत की बात हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं TRAI का जो पेनल्टी लगाने का और मुआवजा देने का फैसला था उसे कहीं ना कहीं खारिज किया है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि असंवैधानिक है TRAI का फैसला मुआवजा लेने का, और पूरा पारदर्शिता इस पूरे ही प्रोसीजर में नहीं फॉलो की गई थी, और अगर कोई फैसला या फिर बिल बनाना होगा, कोई लॉ बनाना होगा, तो संसद के पास ही कोई ऐसी केवल मात्र पावर्स हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक लॉ बना सकते हैं। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि कॉल ड्रॉप को लेकर नियम भी अब संसद ही बनाएगा। खरीदारी की सलाह भारतीय एयरटेल पर यहाँ पर मुदित गोयल की। टारगेट आपको बताया 368 का और स्टॉप लॉस आप नीचे में लगाइए 353 का। अगला शेयर मेरी तरफ से है एशियन पेंट्स का। क्वार्टर फोर नतीजे डिक्लेयर हुए हैं, सभी पैरामीटर्स में एक बढ़त देखने को मिली। आप बॉटम लाइन फ्रंट पर देखिए 340.9 करोड़ से बढ़कर 408.7 करोड़ का मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी ने। सेल्स में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, 3490 करोड़ से बढ़कर 3919 करोड़ तक की यहाँ पर सेल्स फिगर्स क्लॉक इन किए हैं। एबिटा में एक इंप्रूवमेंट देखा, और एबिटा मार्जिन भी अगर आप देखेंगे 15.8% से बढ़कर 17.7% तक के एबिटा मार्जिन रहे हैं। एशियन पेंट्स पर तेजी की उम्मीद है, मुदित गोयल का मानना है खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताया 930 का, स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन कीजिए 898 का। बहुत शुक्रिया साक्षी इन तमाम स्टॉक्स के बारे में बताने के लिए। इनफैक्ट आज एक और बड़ी ज़रूरी खबर आई कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर, जिसमें टेलीकॉम कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो मुआवजे के आस लगाए बैठे थे ग्राहक उनकी उम्मीदें ज़रूर टूटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्राई के कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी लगाने के फैसले को असंवैधानिक ही करार दे दिया। कोर्ट ने कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी लगाने के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि ट्राई का पेनल्टी लगाने का फैसला दरअसल गैर कानूनी है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ट्राई ने, आपको याद दिलाएं, 1 जनवरी 2016 से टेलीकॉम कंपनियों को हर एक मिस्ड कॉल पर, हर एक कॉल ड्रॉप पर 1 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, और एक दिन में एक उपभोक्ता को अधिकतम 3 कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देने का आदेश दिया गया था। अब ट्राई के फैसले को टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर चुनौती दी थी, जिस पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के तहत टेलीकॉम कंपनियों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है कि अब कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, और ग्राहकों को इसकी एवज में किसी भी तरह के का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। हालांकि कॉल ड्रॉप की समस्या अभी भी दूर नहीं हुई है, और लगातार ऑपरेटर्स वर्सेस रेगुलेटर को लेकर ये मामला लगातार आगे बढ़ता चला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम स्टैंड लेते हुए और अहम फैसला देते हुए मुआवजा नहीं देने की बात कही है, और ये कहा है कि एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि ट्राई के फैसले को असंवैधानिक करार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा फैसला था ये दरअसल ट्रांसपेरेंट भी नहीं था, इतनी सख्ती टेलीकॉम कंपनियों पर नहीं दिखाई जा सकती है, जिसके तहत अगर किसी उपभोक्ता का कॉल ड्रॉप हो जाता है तो उसके एवज में उसको जुर्माना दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा फैसला, और आने वाले टाइम में इम्पैक्ट क्या देखा जा सकता है इसका टेलीकॉम सेक्टर पर, ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हाँ, काफ़ी हद तक एक राहत भरी खबर ज़रूर है तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, जो कि लगातार हक की लड़ाई लड़ रहे थे कि आखिरकार किसी भी कॉल ड्रॉप को लेकर उन्हें हर्जाना क्यों दिया जाए, वो हर्जाना क्यों दे, क्योंकि ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है, फेयर नहीं है उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैसला दिया है कॉल ड्रॉप को लेकर, जो कि लगातार हम अपने चैनल पर भी इसकी खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्राई ने 1 जनवरी 2016 से कॉल ड्रॉप मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पराग मिल्क फूड्स का आईपीओ आज 5वें दिन करीब 1.5 गुना सब्सक्राइब हुआ, 760 करोड़ रुपए का ये आईपीओ पिछले हफ्ते बुधवार को खुला था। QIB का हिस्सा 67% सब्सक्राइब हुआ, साथ ही नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का हिस्सा अब तक 2.64 गुना सब्सक्राइब हो चुका है।
जबकि रिटेल निवेशकों का हिस्सा 1.83 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी ने इशू को 3 दिन के लिए और बढ़ाया था और इसका प्राइस बैंड भी रिवाइज करके 215 से 227 रुपए कर दिया था, जो कि पहले 220 से 227 रुपए था। और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। मार्केट की अगर बात की जाए, आज शुरुआत में गिरावट जरूर दिखी लेकिन एक रिकवरी भी देखने को मिली। आने वाले टाइम में लेवल आप कहां पर जाता हुआ देख रहे हैं मार्केट का? गुड इवनिंग। चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो 7900 ये जो लेवल है ये बहुत ही अहम रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हम 7900 के नीचे है तो थोड़ा सा वोलाटाइल सेशन नजर आएगा, लेकिन 7900 अगर हम तोड़ते हैं तो एक सीधा रैली आएगा जो निफ्टी को 7980 तक लेके जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर निफ्टी में कोई पोजीशन बनानी है तो 7900 के ऊपर ही बनानी चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, तब तक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखना ज्यादा जरूरी रहेगा। और चलिए दर्शकों के सवाल जवाब अब लेते हैं। ओडिशा से विनय कृष्णा जी हमसे जानना चाह रहे हैं, इन्होंने स्टॉक लिया है उषा मार्टिन का। उषा मार्टिन के इनके पास 10,000 शेयर हैं और इनका खरीद भाव है 13 रुपए का। 14 पे से क्लोजिंग हुई है तो थोड़ा बहुत इन्हें मुनाफा जरूर है, लेकिन उषा मार्टिन की अगर बात की जाए, आशीष क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी रखे एक निवेशक अभी? उषा मार्टिन का जो चार्ट है, अगर हम थोड़े लंबे अवधि का चार्ट देखते हैं तो ये कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए चल रहा था और ये करीबन 47 से लेके 7-8 रुपए तक नीचे आया था, लेकिन जो लो है उसको टेस्ट करने के बाद इसने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना चालू किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये स्टॉक होल्ड करने जैसा है फिलहाल। अभी ये जो करेक्शन का मोड है जो करीबन 15.60 रुपए से लेके 13.50 रुपए तक आया था, तो यहाँ से ये वापस पिछला जो टॉप है वो जरूर तोड़ेगा, ऐसा चार्ट के ऊपर रुझान है। तो मैं मानता हूँ कि ये होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगना चाहिए उनको 13.10 रुपए का और अगला लक्ष्य इनको रखना चाहिए करीबन 16.30 रुपए का। जी, मोहाली से प्रभजोत जी इस वक्त हमारे साथ है। प्रभजोत, बहुत स्वागत है आपका, बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया है? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड 320/53 के 53 में। 320 शेयर है आपके? हाँ जी 320। स्ट्रैटेजी क्या रखी है आपने, अपने कब लिए थे और कब तक रखना चाहते हैं? अभी मई में लिए थे, शुरू में मई में लिए थे और कब तक रखने की सोच रहे हैं? तीन महीने तक का इनका नजरिया है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर। इस नजरिए के तहत कैसे बढ़े आगे आशीष? अगर हम इस स्टॉक को देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में है। जब तक ये स्टॉक अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्टॉक है इसका अपर ट्रेंड लाइन का वैल्यू आता है करीबन 58 रुपीज का। तो यहाँ तक 58 रुपीज अगर ये तोड़ता है तो इसका लक्ष्य है 65 रुपीज का। तो मैं ये मानता हूँ कि इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए और इसके लिए मैं स्टॉप लॉस इनको रिकमेंड करूंगा 52 रुपीज का। इस वक्त सोमव इन्होंने हमें BEML के बारे में जानना चाहा है। 90 शेयर इनके पास है BEML के और इनका खरीद भाव है 965 रुपए का। अब BEML पे इन्हें हो रहा है नुकसान, 912 पर क्लोजिंग हुई है BEML की। इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती है BEML जनरल, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रखे, इनकी स्ट्रैटेजी पता नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचे तो क्या करना चाहिए? BEML का स्टॉक देखते हैं तो इसने करीबन 865 का एक ऐसा लेवल है जहाँ पे दो बार टेस्ट किया और यहाँ से उसने एक बाउंस बैक दिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे इनको ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए। छोटी अवधि में मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर हम लंबी अवधि का सोचते हैं तो 967 का एक लक्ष्य लेवल है, इसको तोड़ने के बाद ही ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। तो छोटी अवधि के लिए फिलहाल 967 का लक्ष्य लगा के चलते रहे और अगर 968 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करना चालू करता है तो मैं ये मानता हूँ कि 1020 तक ये स्टॉक जाएगा मध्यम से लंबी अवधि में। वडोदरा से प्रकाश शाह जी हमसे जानना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड के बारे में। अशोक लेलैंड इन्होंने लिखे हैं 3000 शेयर और इनका खरीद भाव है 96 का, जिस पर इन्हें हो रहा है थोड़ा भी फायदा भी। प्रकाश जी है भी हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रकाश जी स्वागत है आपका। अशोक लेलैंड पर क्या स्ट्रैटेजी रखी है अभी फिलहाल, आपको थोड़ा बहुत मुनाफा हो रहा है, कब तक रखने की सोच रहे हैं? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैडम जी। अशोक लेलैंड ले रखा है आपने? हाँ अशोक लेलैंड रखा है जी। अभी आप आपको थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, कब तक रखने की स्ट्रैटेजी है आपकी? आप एक साल रख सकते हैं और 3 महीने भी, अच्छा फायदा कब होगा?
तीन महीने भी स्ट्रैटेजी है, एक साल भी स्ट्रैटेजी है, इतना फर्क क्यों? हाँ तो आप बताइए जब तक रखने हैं तब तक। तीन महीने या एक साल स्ट्रैटेजी रखे आशीष ये अशोक लेलैंड पर? मैं मानता हूँ कि ये लंबी अवधि का एक अच्छा स्टॉक इनके लिए साबित हो सकता है, तो मैं लंबी अवधि के लिए ही इसके ऊपर मेरा जो व्यू है वो देना चाहूंगा। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं तो इसने एक अच्छे पाया कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है करीबन 106 रुपए में। उसके बाद हालांकि एक छोटा करेक्शन हुआ है, लेकिन ये करेक्शन स्टॉक के लिए अच्छा होता है और ऊपर जाने के लिए। तो मैं मानता हूं अगले एक साल का अगर इनका अवधि है ये रुक सकते हैं तो ये स्टॉक करीबन 140 तक का भी ये लक्ष्य जो है वो पार कर सकता है। तो एक साल के लिए ये स्टॉक होल्ड करें। इनकी जो बाइंग प्राइस है वो बहुत अच्छी है, लेवल पे उन्होंने की है। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रिकमेंड करना चाहूंगा, वो है 94 रुपीज का। जी कोलकाता से रंजन सोनी जी टेक्स मैको इंफ्रा होल्डिंग्स पर जानना चाह रहे हैं और 1000 शेयर इनके पास है, 37 इनका खरीद भाव है, लेकिन इनके खरीद भाव से नीचे ही क्लोजिंग हुई है स्टॉक की 28.90 रुपए पे। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है आशीष, तो एक निवेशक क्या भी स्ट्रैटेजी रखे इस पर? जिस तरह से चार्ट के ऊपर फॉर्मेशन हो रहा है फिलहाल, अगर डेली चार्ट देखते हैं तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि ये स्टॉक एकदम अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि ये स्टॉक अगर मैं देखता हूं तो 44.90 रुपीज करीबन 45 रुपीज का इसको एक अच्छा बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। लेकिन उसके पहले अगर हम देखते हैं तो इसका भाव अभी तक करीबन चल रहा है 29 रुपीज के यहाँ पे। तो 29 से लेके ये स्टॉक मैं मानता हूँ कि 32-33 तक जाएगा। 33 को अगर क्रॉस करता है तो एक अच्छा रैली जाएगा, तो होल्ड करके रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस मैं रेकमेंड करूंगा इस स्टॉक के लिए 26 रुपीज का। मुंबई से बसंत कुंभार जी एसडी एल्यूमिनियम के बारे में पूछना चाहते हैं और 800 शेयर इनके पास है, 227 इनके खरीद भाव है। एसडी एल्यूमिनियम पर इन्हें हो रहा है काफी बहुत ज्यादा नुकसान, 82 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, छोटे मार्केट कैप की कंपनी और कल ही 52 वीक लो भी टच किया है। बने रहना समझदारी है कि आगे बढ़ जाए इस पे? मेरे ख्याल से इस स्टॉक में बने रहना ये समझदारी नहीं होगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो करीबन 2008 का लो, 2012 का लो और 2014-15 का लो भी इस स्टॉक ने तोड़ा है। तो जिस तरह से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है तो और ये स्टॉक नीचे जाने की संभावना है, करीबन 62 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से एग्जिट होना बेहतर होगा। ओके आशीष, जिन स्टॉक्स पे हमने बात की उन पर आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? अभी जो स्टॉक हमने डिस्कस किए उसमें से मैं कुछ पर्सनल होल्डिंग नहीं रखता हूँ, लेकिन हो सकता है इसमें से एक या दो स्टॉक ऐसे हो सकते हैं कि जो हमने पहले हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो। थैंक यू सो मच आशीष केलकर हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।